हिंदी आलोचना के उद्भव विकास पर जो मैं मेरे लेक्चर्स जो सीरीज आ रहे हैं उसका यह आठवां लेक्चर है आज। यदि हम हिंदी आलोचना के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखकर चलते हैं तो हिंदी आलोचना के उद्भव विकास को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की हिंदी आलोचना, और इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले की, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना की फिर विभिन्न धाराएं हैं, जैसे स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना और नई समीक्षा। तो अभी तक हम 7 एपिसोड देख चुके हैं, आज हमारा 8वां एपिसोड है। आज हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत मार्क्सवादी हिंदी आलोचना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्क्सवादी हिंदी आलोचना, और यह आएगा शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में यह शामिल है, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, और यह मेरा नोट्स है। इसमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं यदि जोड़ना चाहें तो, कुछ जोड़ना या छोड़ना आपके ऊपर है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको इसमें शामिल करूं। वास्तव मेरे लेक्चर सीरीज का उद्देश्य है आपको हिंदी आलोचना को पढ़ने की एक दिशा तय करना आपके लिए कि किस प्रकार उसको पढ़ना है, एक समझ विकसित करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। बाकी आपको स्वयं तो बहुत ज्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। मार्क्सवादी आलोचना हम देखते हैं, यह शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत पढ़ेंगे आप इसको। सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य के युगानुकूल नए उद्देश्य स्पष्ट किए। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने की थी, और उन्होंने युग के अनुरूप, मतलब समय के अनुरूप साहित्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए उसको उन्होंने स्पष्ट किया अपने अध्यक्ष भाषण में। इस प्रकार हिंदी में प्रगतिशीलता का एक नया दौर शुरू हुआ, और उसके अनुसार आलोचना के क्षेत्र में भी नई मान्यताएं प्रकट होने लगी। राजनीति के क्षेत्र में जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उसे हम कहते हैं प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिशीलता, प्रगतिवादी कविता। तो जब प्रगतिवादी कविता शुरू हुई, प्रगतिशीलता शुरू हुई हिंदी में, तो उसके साथ ही प्रगतिशील आलोचना को भी की भी शुरुआत हुई, जो मार्क्सवाद पर आधारित है। इस अवधि के साहित्य पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रमुख प्रभाव रहा है। मार्क्स के जीवन दर्शन के अनुसार संसार की सभी वस्तुओं में विरोधी तत्वों का संघर्ष होता रहता है। उस संघर्ष के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों, उनकी शक्तियों और अस्तित्वों का लगातार विकास होता रहता है। इसी को मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्स का मानना था कि समाज में पूंजीपति और सर्वहारा, इन दो विरोधी शक्तियों के बीच द्वंद्व चल रहा है। कार्ल मार्क्स का जीवन दर्शन यह था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके अंदर अंतर्गत दो विरोधी तत्वों का हमेशा ही द्वंद्व चलते रहता है, संघर्ष चलते रहता है, और इसको उन्होंने कहा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी प्रकार हमारे समाज में जो पूंजीपति वर्ग है, मतलब जो शोषक वर्ग है, और सर्वहारा वर्ग है, मतलब जो शोषित वर्ग है, उनके बीच हमेशा हमेशा से संघर्ष चलता रहा है, और इन दो विरोधी शक्तियों के बीच हमेशा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हम समतामूलक समाज की स्थापना नहीं कर देते। समाजवाद की स्थापना जब तक नहीं हो जाती, समतामूलक समाज की स्थापना जब तक नहीं हो जाती। मार्क्सवादी दर्शन का मुख्य उद्देश्य, और इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है इस सिद्धांत को, मार्क्सवादी दर्शन का मुख्य उद्देश्य जनता के भौतिक अभावों और दरिद्रता को दूर कर समाज में समानता लाना है। तो मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई गरीब मत रहे, कोई अमीर मत रहे, सभी एक जैसे हो, जनता के भौतिक अभाव दूर हो और उनकी दरिद्रता दूर हो, और इस प्रकार समाज में समानता स्थापित हो, यह उनका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा के मानने वाले साहित्यकारों ने कला को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए शोषित और पीड़ित मानव को अपने साहित्य का आलंबन, आलंबन मतलब भाव या आधार बनाया, या उसको नींव बनाया। तो इस प्रकार जितने भी मार्क्सवादी विचारधारा के मानने वाले साहित्यकार थे, जो प्रगतिशील चेतना से युक्त साहित्यकार थे, प्रगतिवादी साहित्यकार थे, उन्होंने कला को, साहित्य को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए शोषित और पीड़ित मानव को अपने साहित्य का क्या बनाया, आधार बनाया,
और उसको केंद्र में रखकर उन्होंने साहित्य की रचना की। प्रगतिशील साहित्यकार, पूंजीवादी संस्कृति के विरोध और जनवादी साहित्य। जनवादी क्या होता है? जनवादी संस्कृति, जनवादी क्या होता है? यह मत कि सत्ता सामान्य जनता के हाथ में होनी चाहिए, इसे कहा जाता है जनवाद। तो पूंजीवादी संस्कृति का विरोध करते थे और जनवादी संस्कृति के निर्माण की कामना को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने साहित्य सृजन किया जिसे श्रमिक क्रांति, श्रमिक क्रांति मतलब मजदूर आंदोलन के भावों को मजबूती मिली। विश्व बंधुत्व, नारी समानता और स्वतंत्रता तथा बौद्धिकता की भावना को बल मिला। विश्व बंधुत्व मतलब संसार में जितने भी लोग हैं सब भाई बहन हैं, और नारी समानता महिलाओं को भी समानता का अधिकार देने, और स्वतंत्रता तथा बौद्धिकता की भावना को बल मिला, तार्किकता को बल मिला। सामाजिक यथार्थवाद मतलब समाज के जो यथार्थ है, समाज की जो सच्चाई है, और मानवतावाद, मानवतावाद मतलब विश्व के सभी मानवों का कल्याण हो, इसके आदर्श को लेकर चलने वाले इस प्रगतिशील साहित्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए अलंकार गौण हो गए। मतलब अलंकारों को उतना महत्व दिया नहीं जाता था, भावों की अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का महत्व बहुत कम हो गया, जिसे प्रगतिवादी काव्य सरल हुआ। नए नए सरल छंद इसकी विशेषता बन गए। मतलब पहले बिल्कुल इतना मात्रा होना चाहिए, दोहा में लिखना है, चौपाई में लिखना है, रोला में लिखना है, इसमें इतना मात्रा होना चाहिए। छंद का जो बंधन था उससे आजादी मिल गई, सरल और सहज सरल छंदों का प्रयोग किया जाने लगा, अलंकारों का प्रयोग गौड़ हो गया, कम महत्वपूर्ण हो गया, और नए और सरल छंद की विशेषता बन गई। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मार्क्सवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा अग्रणी हैं। और भी कई मार्क्सवादी आलोचक हैं जैसे गजानन माधव मुक्ति बोध, और भी कई आप देख सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है इसमें आपको और भी आलोचकों को जोड़ना है, उनकी कृतियों को जोड़ना है, मैंने मुख्य मुख्य पर यहाँ पर चर्चा की है। तो मार्क्सवादी आलोचकों में कौन कौन महत्वपूर्ण है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा। शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1937 ईस्वी में विशाल भारत नाम की पत्रिका थी मैं सबसे पहले भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया। तो शिवदान सिंह चौहान ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, और 1937 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान ने एक लेख लिखा विशाल भारत पत्रिका में, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, और इसमें उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के जो मूल सिद्धांत है उसको उन्होंने उसकी विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत रूप में उसको प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रगतिशील शक्ति वह है जो न केवल संसार को स्पष्ट करती है बल्कि उसे परिवर्तित करने में भी बराबर लगी रहती है। मतलब प्रगतिशील शक्ति वह है न केवल जो संसार की व्याख्या करती है, उसका समझने में हमारी मदद करती है, बल्कि उस संसार को बदलने में, उस संसार में परिवर्तन लाने के लिए भी निरंतर लगी रहती है, क्रियाशील होती है। वे प्रगतिशीलता को किसी भी वर्ग या गुट या देश, काल, पार्टी आदि की सीमाओं से आंकना उचित नहीं समझते थे। मतलब उन्हें पता है प्रगतिशीलता केवल मार्क्सवाद पर आधारित है, किसी विशेष वर्ग से आधारित है, शोषक वर्ग से आधारित है, किसी विशेष गुट से आधारित है, किसी विशेष देश से आधारित है। बोलते इनकी सीमाओं में प्रगतिशील साहित्य को बांधना उचित नहीं है। जो साहित्य जीवन के यथार्थ को गहराई और कलात्मक सच्चाई के साथ प्रतिबिंबित करता है वही प्रगतिशील साहित्य है। तो शिवदान सिंह चौहान के अनुसार वह साहित्य जो हमारे जीवन की सच्चाई को, जीवन के यथार्थ को बहुत ही गहराई से, पूरी संवेदनशीलता के साथ और कलात्मक सच्चाई के साथ, मतलब कलात्मकता के साथ, खूबसूरती के साथ प्रतिबिंबित करता है वही प्रगतिशील साहित्य है। आप जानते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो इस तरह साहित्य में जो समाज है वह प्रतिबिंबित होना चाहिए पूरी यथार्थ के साथ, पूरी सच्चाई के साथ और कलात्मकता के साथ, खूबसूरती के साथ। उनका मानना था कि प्रगतिशील कवि जरूरी नहीं कि वह मार्क्सवादी ही हो, वह गांधीवादी भी हो सकता है। गांधीवाद अलग है, सत्य अहिंसा का पालन करना गांधीवाद है, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना, सत्य अहिंसा अपरिग्रह इत्यादि। आलोचना के सिद्धांत और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी दो आलोचना ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, आलोचना के सिद्धांत और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिवदान सिंह चौहान हंस और आलोचना पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। इन्होंने इनकी इनका संपादन भी किया। परीक्षाओं में अभी पूछा जाता है कि किन पत्रिकाओं को इन्होंने संपादन किया। उनके आरंभिक निबंध प्रगतिवाद जो 1946 में प्रकाशित हुई थी किताब में संकलित है। उनके आलोचनात्मक निबंधों के 3 संकलन प्रमुख है, साहित्य की परख 1947 ईस्वी,
साहित्य अनुशीलन तथा आलोचना के मान 1958 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें पुस्तक, समीक्षाएं और सैद्धांतिक निबंध भी शामिल है। इस सूची में आप और भी रचनाओं को लिख सकते हैं, ले सकते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के विवेचन के साथ हिंदी साहित्य की पुरानी परंपरा और समसामयिक साहित्य का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया है। तो प्रकाश चंद्रगुप्त ने न केवल मार्क्सवादी सिद्धांतों या मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया है, बल्कि हिंदी साहित्य की जो हमारी पुरानी परंपरा थी, भारतीय काव्य शास्त्र है या फिर हमारी पुरानी परंपरा है, परंपरा से प्राप्त जो साहित्य है और समसामयिक साहित्य, समसामयिक साहित्य मतलब उनके समय के, समय का जो साहित्य है, जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है, उसका बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण पूर्वक अध्ययन किया है। तटस्थ और निरपेक्ष भाव से उसका अध्ययन किया है। उनकी आलोचना सुबोधता, सुबोधता मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, सरलता और शालीनता के गुणों से युक्त है। उनके प्रमुख निबंध संकलन है आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1952, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा। जनवादी मतलब जो समाज में जो सत्ता है वह लोगों के हाथ में हो, आम जनता के हाथ में हो, जनवाद कहा जाता है इसे। तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके ब्रैकेट में जो मैंने साल लिखा है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि कई बार आलोचना ग्रंथों को क्रम से जमाने के लिए आता है, खासकर यूजीसी नेट में। डॉक्टर रामलीला शर्मा और कॉलेजेस के परीक्षाओं में तो आप सीधा लिख सकते हैं इसको, अगर आपको ईयर याद भी नहीं है तब भी आप लिख सकते हैं। डॉक्टर रामलीला शर्मा बहुत ही जाने माने आलोचक है, मार्क्सवादी आलोचक। डॉक्टर रामलीला शर्मा ने छायावादी काव्य और उसमें विशेषकर निराला के साहित्य की व्याख्या से आलोचना कार्य प्रारंभ किए थे। इन्होंने छायावादी काव्य की आलोचना के माध्यम से आलोचना की शुरुआत की। विशेष रूप से उन्होंने निराला पर जो काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी जो आलोचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुंशी प्रेमचंद पर भी किया गया उनका आलोचना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से उनकी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना हिंदी आलोचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आलोचना के क्षेत्र में। डॉक्टर रामलीला शर्मा ने मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांतों का कोरा सैद्धांतिक प्रतिपादन ही नहीं किया, वरन मार्क्सवादी दृष्टि से समुचे हिंदी साहित्य की परंपरा की नई व्याख्या प्रस्तुत की। तो इस प्रकार उन्होंने केवल मार्क्सवादी सिद्धांतों को लेकर ही व्याख्या प्रस्तुत नहीं की, और सिर्फ उन्होंने सिद्धांतों पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, इसको नए सिरे से उन्होंने व्याख्यायित करने का प्रयास किया, नए तरीके से हमें समझाने का, उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के साहित्य का भी विश्लेषण किया। प्राचीन जो कवि हुए हैं संस्कृत के, उनके साहित्य का भी उन्होंने विश्लेषण किया, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति। आदिकाल साहित्य के स्थायी मूल्यों की समस्या, कालिदास तथा भवभूति की करना उनकी उल्लेखनीय आलोचनात्मक कृतियां हैं। उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना के लिए देशज जमीन तैयार किया। देशज जमीन मतलब भारतीय देशी, मार्क्सवादी विचारधारा को भारतीय संदर्भों में लागू करने और भारतीय संदर्भों में समझाने का उन्होंने प्रयास किया। यह उनका सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने सचेत रूप से हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के लिए परंपरा का निर्माण किया। मतलब मार्क्सवादी परंपरा को जब उन्होंने भारतीय साहित्य में लागू किया तो उसके लिए उन्होंने एक मार्क्सवादी आलोचना की एक नई पीढ़ी भी तैयार की, मार्क्सवादी आलोचना के लिए एक परंपरा का तैयार किया, परंपरा भी तैयार किया, जिसके आधार पर नए आलोचकों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। मार्क्सवादी आलोचना को हिंदी की जातीय परंपरा, जातीय परंपरा आप कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा से जोड़कर उन्होंने हिंदी समाज के बीच विश्वसनीय बनाया। मतलब मार्क्सवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखकर भारतीय सामाजिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इसको लागू किया, मार्क्सवाद के आधार पर समीक्षा की, और इसे मार्क्सवाद को उन्होंने जो हिंदी समाज है, जो हिंदी भाषी जनता है, उनके बीच उन्होंने विश्वसनीय बनाया। नई कविता की आधार भूमि को उनकी आलोचना के बिना समझना कठिन है। नई कविता को यदि हमको समझना है तो हमको इनकी इनकी जो आलोचना है उसको हमको भली भांति उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम नई कहानी की जो, नई कविता की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध नए कवियों में काफी तेज और गहरी आलोचना दृष्टि रखने वाले कवि थे। गजानंद माधव मुक्तिबोध ये भी मार्क्सवादी आलोचक है, वे एक जागरूक रचनाकार थे। युते वे मार्क्सवादी विचारधारा से संबद्ध थे, उनकी गणना मार्क्सवादी विचारधारा में की जाती है। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध की गणना मार्क्सवादी विचारों में, विचारकों में या समालोचकों में की जाती है, किंतु नई कविता के मूल्यांकन को लेकर वे पुराने प्रगतिवादी आलोचकों से अलग थे। पुराने जो मार्क्सवादी आलोचक थे, प्रगतिवादी आलोचक थे, उनकी आलोचना
और इनकी रचना में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि नई कविता का जब इन्होंने मूल्यांकन किया, नई कविता की जब इन्होंने समीक्षा की, तब इनकी विचारधारा पुराने जो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक थे उनसे अलग थे, ये अलग थे। उन्होंने आधुनिक लेखक की रचना प्रक्रिया की जटिलता का विश्लेषण किया, मतलब आधुनिक जो लेखक हैं उनके जो समकालीन लेखक हैं, जो नए नए लेखाकार हैं, उनकी जो रचना प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है, उसमें जो जटिलता है, जो कठिनता है, उसका उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया है। यह हिंदी आलोचना को मुक्ति बोध की मुख्य देन है, यह इनका सबसे बड़ा योगदान है हिंदी आलोचना को। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में प्रकाशित हुई थी, एक साहित्यिक की डायरी 1964, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी उनकी उल्लेखनीय आलोचना कृतियां हैं। उनकी और भी रचनाओं को आप इसमें जोड़ सकते हैं आलोचनात्मक कृतियों में। तो ये कोई भी नोट्स आपके लिए सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वह आपको समझने के दृष्टिकोण से है। हालांकि इसको आप परीक्षा में सभी कुछ को लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्वयं का नोट्स तैयार करना चाहिए और अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। खासकर यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी परीक्षा का पैटर्न बहुत ज्यादा कठिन हो गया पहले की तुलना में। बहुत गहराई से जाकर आप अध्ययन करेंगे तभी आप उसको इस परीक्षा में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना समाजवादी जीवन दृष्टि और नई कविता के भाव बोध को लेकर चली है। समाजवादी मतलब समतामूलक समाज की स्थापना, समाजवाद की स्थापना, और नए समाजवादी दृष्टि और नई कविता के भावबोध को लेकर चलिए। नई कविता में जो फीलिंग्स और इमोशंस है, नई कविता में जो भावबोध है, जो अभिव्यक्ति है, उसको लेकर चलिए। इसीलिए उन्हें प्रगतिवादी आलोचकों में भी गिना जाता है और नए आलोचकों में भी। तो मार्क्सवादी परंपरा से भी प्रभावित है और नई कविता के भावबोध से भी प्रभावित है उनकी अभिव्यक्ति से। इसलिए उन्हें न केवल प्रगतिवादी आलोचक माना जाता है, बल्कि उन्हें नई कविता के आलोचक भी माना जाता है, नए आलोचक भी माना जाता है, नई समीक्षा। उन्होंने नई कविता को सहानुभूति से परखा है, नई कविता की आलोचना उन्होंने सहानुभूति पूर्वक ढंग से की है। नामवर सिंह की पुस्तक छायावाद जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, मैं छायावादी कविता के छाया चित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया गया है। मतलब छायावादी कविता में जो सामाजिक सत्य प्रतिबिंबित हुआ है, समाज का जो यथार्थ प्रतिबिंबित हुआ है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है, उसकी उन्होंने व्याख्या की है, समीक्षा की है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं, छायावाद में कुल 12 अध्याय हैं। विभिन्न अध्यायों के अधिकांश शीर्षक छायावादी कविता के पंक्तियों के टुकड़े हैं। तो छायावाद जब उन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा उसमें कुल 12 अध्याय हैं, उनका जो शीर्षक है विभिन्न अध्यायों का, वह छायावादी जो कविता है उनका शीर्षक ही उन्होंने उसमें से छोटा छोटा हिस्सा उठा लिया है। जैसे प्रथम रश्मि, केवल मैं और केवल मैं, जागो फिर एक बार निराला की है आदि शीर्षकों से स्पष्ट है कि विवेचन में छायावादी काव्य वस्तु से सैद्धांतिक निष्कर्ष तक पहुंचे गए। मतलब इस किताब में उन्होंने जो शीर्षक है, जो टाइटल है, जो निबंध का, वो कहाँ से लिया है? छायावादी कविता से लिया है, और छायावादी कंटेंट से, छायावादी जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वहां से वे सैद्धांतिक निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, है ना। मार्क्सवादी निष्कर्ष तक, एक सैद्धांतिक निष्कर्ष तक वे पहुंचे हैं, एक सिद्धांत की स्थापना उन्होंने की है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी में नई कविता के एक संदर्भ में काव्य मूल्यों का प्रश्न उठाया है। मतलब काव्य में कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए कविता में, इसका इन्होंने प्रश्न उठाया है। इस आधार पर इन्होंने काव्य के नए प्रतिमान किताब में नई कविता की समीक्षा की। काव्य समीक्षा से हटकर साहित्यिक मूल्यों को स्पष्ट करने का प्रयास उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास और आलोचना में संकलित निबंधों में किया है। वे केवल कविता की समीक्षा से ही संबंधित नहीं थे, काव्य की समीक्षा से संबंधित नहीं थे, बल्कि जो साहित्यिक मूल्य है, जो लिटरेरी वैल्यूज है, उसको भी स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है कि साहित्य को किन मूल्यों को लेकर चलना चाहिए, कौन से जीवन मूल्य हैं, कौन से साहित्यिक मूल्य हैं जो साहित्य में परिलक्षित होना चाहिए। और चाहे इन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास और आलोचना में संकलित निबंधों में किया है, तो इन सब चीजों की व्याख्या, साहित्यिक मूल्यों की व्याख्या इन्होंने इतिहास और आलोचना नामक किताब में की है। इसके अतिरिक्त इतिहास का नया दृष्टिकोण 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार जो 1962 में प्रकाशित हुई थी नामक निबंधों में इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्व्याख्या की है। तो इन निबंधों के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी पुनर्व्याख्या, मतलब दोबारा व्याख्या करने की प्रयास की है, नई व्याख्या करने का प्रयास किया है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। इन निबंधों के माध्यम से उन्होंने मूल्यांकन पर आलोचना और साहित्यिक इतिहास के बीच संबंध स्थापित किया है। मतलब जो आलोचना है, आलोचना को किन मूल्यों को लेकर चलना चाहिए, किन मूल्यों के साथ आलोचना की जानी चाहिए, और हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास
और मूल्यांकन परक आलोचना, इन दोनों में इन्होंने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, स्थापित किया है। इतना ही नहीं, नामवर सिंह जी ने कथा समीक्षा के स्तर को भी काव्य समीक्षा के स्तर तक उठाया है। इस दृष्टि से उनकी पुस्तक कहानी नहीं कहानी 1964 अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने केवल काव्य की समीक्षा नहीं की, काव्य समीक्षा के स्तर को ही नहीं उठाया, बल्कि जो कथा कथा समीक्षा है, कहानी है, उपन्यास इत्यादि है, इनकी समीक्षा को भी वे उच्च स्तर तक लेकर गए हैं। और काव्य समीक्षा का जो स्तर है, जो पहले उच्च स्तर था काव्य समीक्षा का, उस स्तर तक उन्होंने कथा समीक्षा मतलब उपन्यास और कहानी के समीक्षा को भी उस स्तर तक ऊपर उठाया है। और इस दृष्टिकोण से जो उनकी किताब है, आलोचनात्मक ग्रंथ है, कहानी नहीं कहानी, जो 1964 में प्रकाशित हुई थी, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से आपने मार्क्सवादी आलोचना की पृष्ठभूमि को समझ लिया होगा। तो आप में मैं एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहता हूँ, हिंदी आलोचना को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। तो यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही जो ये इस लेक्चर का जो PDF है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबके डिस्क्रिप्शन में आपको उनके PDF नोट्स जरूर मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरे नोट्स पर ही निर्भर न रहें, आप अपना स्वयं को नोट्स बनाएं। सिर्फ मैं आपको एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ, एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य और हिंदी आलोचना को पढ़ने का तरीका क्या है, और किस तरह जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उसमें आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।